अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने दोबारा चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है। रविवार को सोशल मीडिया पर इसकी घोषणा करते हुए बाइडेन ने अगले डेमोक्रेटिक राष्ट्रपति उम्मीदवार के रूप में कमला हैरिस की उम्मीदवारी का समर्थन किया है। बाइडेन के रेस से हटने पर डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। जो बाइडेन के आगामी राष्ट्रपति चुनाव की रेस से हटने के ऐलान के बाद रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने पहला रिएक्शन दिया है। अमेरिकी न्यूज नेटवर्क CNN के साथ एक फोन कॉल में पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बाइडेन को देश के इतिहास में अब तक के सबसे खराब राष्ट्रपति के रूप में बताया। ट्रंप ने कहा कि उन्हें लगता है कि उपराष्ट्रपति कमला हैरिस को हराना बाइडेन की तुलना में आसान होगा। जो बाइडेन ने रेस से हटने के साथ ही अपनी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस का नाम डेमोक्रेटिक उम्मीदवार के रूप में आगे बढ़ाया है। इससे पहले रविवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बाइडेन ने दोबारा राष्ट्रपति चुनाव न लड़ने की जानकारी दी। बाइडेन ने अपने पत्र में लिखा, मेरा मानना है कि मेरी पार्टी और देश के सर्वोत्तम हित में है कि मैं पीछे हट जाऊं और मैं अपने शेष कार्यकाल में केवल राष्ट्रपति के रूप में अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने पर केंद्रित रहूं। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति के रूप में उन्होंने जो सेवाएं दी हैं वो उनके जीवन का सबसे बड़ा सम्मान है। कुछ देर बाद ही उन्होंने दूसरी पोस्ट में अपने राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी के लिए कमला हैरिस का नाम का समर्थन किया। बाइडेन ने अपने पोस्ट में लिखा कि आज मैं कमला हैरिस को इस साल पार्टी की उम्मीदवार बनाने के लिए अपना पूरा समर्थन देता हूं। डेमोक्रेटिक्स अब एक साथ आने और ट्रंप को हराने का समय आ गया है, चलो ये करते हैं। अमेरिकी सीनेटर चक सूमर ने राष्ट्रपति जो बाइडेन की तारीफ करते हुए उन्हें सच्चा देशभक्त और महान अमेरिकी बताया। उन्होंने कहा कि बाइडेन ने अपनी पार्टी और हमारे भविष्य को प्राथमिकता दी। बाइडेन न केवल एक महान राष्ट्रपति और एक महान नेता हैं, बल्कि एक वास्तव में बहुत ही अद्भुत इंसान हैं। बेशक उनका निर्णय आसान नहीं था, लेकिन उन्होंने एक बार फिर अपने देश, अपनी पार्टी और हमारे भविष्य को प्राथमिकता दी है। पिछले कई दशकों में ये पहली बार है कि जब कोई अमेरिकी राष्ट्रपति दोबारा चुनाव लड़ने की दौर से बाहर हो गया है। इससे पहले साल 1968 में राष्ट्रपति लिंडन जॉनसन ने दोबारा पूर्ण कार्यकाल नहीं लेने का फैसला किया था। हालांकि जॉनसन ने काफी पहले ही इसकी घोषणा कर दी थी, जबकि बाइडेन ने कई महीनों बाद ये फैसला लिया है। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।